प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात 151 दिन बाद हुई। इससे पहले दोनों नेता 9 सितंबर 2023 को दिल्ली में G20 के डिनर में मिले थे और आज नीतीश कुमार बिहार में सत्ता बदलने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री के सामने आए। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात कई मायनों में अहम है। बिहार में 12 फरवरी को बहुमत परीक्षण होना है। इसी महीने के आखिर में बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं और मोदी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है, जिसमें बिहार की 40 सीटें काफी अहम रहने वाली हैं। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से अपने मन की बात की और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। बिहार में सरकार के नए स्वरूप के साथ ही बिहार के विकास को कैसे रफ्तार मिले, इस पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में हुई और 5 दिन बाद उन्हें पटना में बहुमत साबित करना है, जिसे लेकर हलचल तेज है। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद मांग रहे हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं। इस हलचल के बीच ही RJD ने JDU के कुछ विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि RJD के कुछ विधायक NDA के संपर्क में हैं, जबकि टूट की आशंका से कांग्रेस ने अपने विधायक हैदराबाद भेजे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच ही जुबानी जंग भी हावी है। कहीं कोई JDU BJP के लोग संपर्क में नहीं है। हाँ, संपर्क में RJD के लोग ही इधर हैं, यह बात अपनी जगह सही है, लेकिन गठबंधन जो NDA है उसका कोई भी विधायक इधर उधर है ऐसा कहना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात करना है। हम लोगों की भी नजर JDU पर है, 12 तारीख को पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिहार में 28 जनवरी को सियासी तूफान आया और उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की मोदी के साथ मुलाकात की ये तस्वीर सबसे ज्यादा विपक्षी खेमे को भी चुभने वाली है, क्योंकि जिन नीतीश ने NDA के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया, वही नीतीश अब NDA के साथ हैं। Z News